यूपी में अगर अखिलेश सरकार आई तो योगी सरकार में हुए एनकाउंटर की जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा दिलवाएंगे, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का, जो यहां राममूर्ति सिंह वर्मा के जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सायापुर पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। तो आइए अब शुरुआत करते हैं सायापुर के खास बुलेटिन की। पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की 71वीं जयंती के अवसर पर आज उनके आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पहुंचे। राम गोविंद चौधरी ने कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने मंच को घेर लिया और हर कोई अपने नेता की झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता राम गोविंद चौधरी के साथ सेल्फी लेने के लिए भी लालायित दिखे। पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की 71वीं जयंती के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में तेलहर से भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा भी पहुंचे। यहां पहुंचे विधायक ने स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक रोशन लाल ने अपने संबोधन में राममूर्ति सिंह वर्मा के बारे में बताते हुए कहा कि राममूर्ति सिंह वर्मा बहुत ही मिलनसार और अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित रहने वाली शख्सियत थे, जो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव भी पहुंचे। उन्होंने भी पूर्व मंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राम गोविंद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास किया है और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विनाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 85-90% एनकाउंटर फर्जी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सभी फर्जी एनकाउंटर की जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास, रोजगार, शिक्षा और किसानों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। अब जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय जनतावादी ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बाद में यहां पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को किसानों ने अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि सिंधौली क्षेत्र में घूम रहे आवारा गौवंशों को पकड़वाकर गौशालाओं में पहुंचाया जाए। क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान हैं, सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कराई जाए। थाना सदर बाजार क्षेत्र के टाउन हॉल स्थित शिव मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मंदिर से चोरी हुई माँ दुर्गा की मूर्ति और करीब 250 ग्राम अफीम बरामद हुई है। दरअसल कल शिव मंदिर के पुजारी बजरंगी शुक्ला ने सरबाजार थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि मंदिर से दुर्गा माता की पीतल से बनी हुई 15 किलो की मूर्ति चोरी हो गई है, जिसके बाद आज सदर बाजार पुलिस ने रोडवेज फटकिया के पास से सुबह चोर करणवीर को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के रैन बसेरा का रहने वाला है। करणवीर के पास से चोरी की हुई मूर्ति मिली और उसके पास से 250 ग्राम अफीम भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगे स्वतंत्रता वृक्ष के चबूतरे के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस वृक्ष को 15 अगस्त 1947 में तत्कालीन जिलाधिकारी जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी की पत्नी भागीरथी देवी ने अपने हाथों से लगाया था। वहीं अब स्वतंत्रता वृक्ष के पुराने चबूतरे को तोड़कर नया चबूतरा बनाया जाएगा। नए चबूतरे में अब ग्रेनाइट लगाकर स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। सौंदर्यीकरण के कार्य को 15 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सांसद अरुण कुमार सागर ने जनपद में सैनिक स्कूल खोलने की आवाज़ बुलंद की है। आज संसद में चल रहे मानसून सत्र में अरुण सागर ने नियम 377 के अधीन
जनपद में परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह की जन्मस्थली पर उनकी याद और सम्मान में सैनिक विद्यालय की स्थापना का मुद्दा उठाया है। सांसद का कहना था कि जनपद में सैनिक विद्यालय की स्थापना होने से जनपद के सैकड़ों हजारों नौजवान देश की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। 26 जुलाई को कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। दरअसल 26 जुलाई को 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को लेकर कार्य बहिष्कार कर बरेली मोड़ पर धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प कर दी थी, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल होने वाले 14 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। वहीं पुलिस ने वांछित चल रहे 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए हुए 3 मोबाइल और घड़ी बरामद हुई है। दोनों ही चोर नगर के मोहल्ला कुरगंजा के रहने वाले हैं। दरअसल बीते दिनों फरुखाबाद जिले के रहने वाले विवेक दीक्षित और सायहापुर के गांव नारायणपुर के रहने वाले प्रशांत यादव की तहरीर पर मोबाइल चोरी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज मोबाइल चोर सतीश और करण को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी किए हुए 3 मोबाइल फोन और चोरी की एक घड़ी मिली है। गिरफ्तार किए गए चोर पुआया नगर के मोहल्ला कुरगंजा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब उन्हें जेल भेज दिया है। पुआया क्षेत्र में भैंसी नदी और सिंधौली में खन्नौत नदी पर जल्द ही नए पुल का निर्माण शुरू होगा। पुआया से विधायक चेतराम ने जानकारी देते हुए बताया कि खुटार पुआया रोड पर गोमती नदी की सहायक नदी भैंसी नदी पर नए पुल का निर्माण और सिंधौली में खन्नौत नदी पर पुल चौड़ीकरण करके नए पुल के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार राष्ट्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा दे दी गई है। विधायक ने कहा कि शीघ्र ही दोनों पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे राहगीरों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज सिंह उर्फ कल्लू यादव भी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। फिरोज सिंह कल्लू ने राममूर्ति सिंह वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। जिला विद्यालय निरीक्षक शौकीन सिंह यादव की अध्यक्षता में आज सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सहायक प्रादेशिक कमिश्नर प्रदीप कुमार गुप्ता ने कार्यक्रमों की सार्थकता पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण इस सत्र में कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके। इस सत्र में कार्यक्रमों की सार्थकता बनी रहे, इसके लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष संतोष पांडे ने कहा कि प्राचीन समय में शिक्षण संस्थाएं चिंतन का केंद्र होते थे, जो कि अब चिंता का केंद्र होते जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए श्रम की जरूरत है। टाउन हॉल स्थित SBI शाखा में रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया। जिला अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम के सहयोग से यह शिविर संपन्न हुआ, जिसमें क्लब सदस्यों, बैंक कर्मियों और शहर के गणमान्य लोगों सहित 30 लोगों ने रक्तदान किया। कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि SBI के रीजनल मैनेजर कौशल कुमार साहू ने रक्तदान करके किया, जिसके बाद रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कौशल के द्वारा भी रक्तदान किया गया। कटरा पुलिस ने 2 भैंस चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की हुई एक भैंस बरामद हुई है। दरअसल कल कटरा के मोहल्ला रामनगर कॉलोनी के रहने वाले कासिम अली ने भैंस चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर इस्लामनगर चौराहे से पशु चोर नदीम और रेहान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक भैंस बरामद हुई। इस दौरान पशु चोरों का एक साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब उन्हें जेल भेज दिया है। आज जलालाबाद के ग्राम मसीट पूर्वा में नीरज यादव के आवास पर समाजवादी छात्र सभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनंत यादव का स्वागत किया गया और जिलाध्यक्ष अनंत यादव ने छात्र नेता नीरज यादव को छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया।